डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का। हमारे बीच मौजूद शहर की हर दिल की शख्सियत डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब। मैं चाहता हूं कि इस पुरजोश मंच के साथ आप शामिल हो जाए। दायरे में सिमट के आया है, दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा सबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है। क्या होना चाहिए, ये हमारे शहर के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत है। अब इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। अहम दीनी शख्सियत मौलाना अनवर कुशाती साहब, हमारे साथी अनवर कादरी साहब, प्रोफेसर सुहेल जलील साहब, दस्तगीर भाई, जमील भाई, यहाँ बैठे हुए हमारे कॉर्पोरेटर रफत याल खान साहब, हमारे नौजवान दोस्त सैयद भाई, मंच पर मौजूद डॉक्टर मोइन साहब, जब्बार खान साहब, अयुद्धे बखार वाले तमाम जिम्मेदारान, प्रोग्राम मुनाकिद किया है मोहतरम हाजी शेर खान साहब, हमारे रमजानी भाई मुजीबुद्दीन साहब, हमारी बहन फिरदोस फातिमा, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, खास तौर पर मुजीबुद्दीन साहब का, हाजी शेर खान साहब का, हमारे रमजानी भाई का, जिन्होंने आज का ये स्टेपानिया प्रोग्राम मुनाकिद किया। दरअसल ये साथी, ये हमारे दोस्त इस्तेफारिया प्रोग्राम के माध्यम के साथ साथ आपको हयात हाजरा से भी रोशनास कराना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, फर्जंदान तौहीद, शमाए रिसालत के परवानों, मेरी माओ बहनों, आज मुल्क बहुत ही संगीन हालात से गुजर रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई, 2019 में 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ नरेंद्र मोदी फिर सत्ता पे विराजमान हो गए। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा था कि हम 370 हटाएंगे, 35 ए हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, फिर अब एक नया शोषा छोड़ा गया, शहरियत का मसला। इस शहर में, इस रियासत में, इस देश में शहरियत का मसला, उनको अपना वोट बैंक मजबूत करना, उनको मुसलमानों को, अखिलियतों को इस देश का सेकंड दर्जे का शहरी बनाना। बात की शुरुआत कहां से हुई? कहा गया कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप बनाया जाए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एनआरसी। ऐसी हुआ, आसाम में तकरीबन 19 लाख लोग आसाम का एनआरसी का नतीजा सामने आए, तो 15 लाख हिंदू शहरियत से बाहर थे, 3 से 3.5 लाख मुसलमान वो भी बाहर थे, जो 1.5 लाख मुसलमान शहरियत से बाहर थे उनकी इंतखा हो चुके थे।
जब एनआरसी का मसला हुकूमत के समझ में आया कि अपने फांसे में फंस सकता है, तो उन्होंने सीएबी पार्लियामेंट में पेश किया। सीएबी क्या चीज है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल। हिंदुस्तान के दस्तूर में शहरियत किसको दी जाए ये बिल्कुल वाज़ह है, मगर सिटीजन अमेंडमेंट बिल आने का मकसद ये था कि जो 15 लाख हिंदू एनआरसी के नतीजे में शहरियत से बाहर आए उनको शहरियत दी जाए, और जो 3 लाख मुसलमान थे उनको शहरियत ना दी जाए। फंडा क्या बनाया? फंडा ये बनाया कि हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनसे जो शरणार्थी आते हैं, जो हिंदू हैं, वो पीड़ित हैं, वो मजालिम का शिकार हैं, इसलिए उनको शहरियत दी जाए। मगर सच बात तो ये है, हिंदुस्तान की हुकूमत सेकुलर है। हिंदुस्तान का दस्तूर अपने पहले पेज पर, प्रीएम्बल पर लिखता है कि यहाँ पर सब मसावी है, सियासी तौर पर, माशी तौर पर, विकास के मामले में सब बराबर है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वोट एक जाएगा, इसलिए ये जो बिल पेश किया गया इसकी मुखालफत की गई। मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूं, मेरा ख्वाहिश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख्वाहिश बैरिस्टर स्वतंत्र अवेशी ने इस बिल को भरी पार्लियामेंट में फाड़ दिया। मेरे ख्वाहिश ने उस कागज पर टुकड़े टुकड़े कर दिए जिसपे सीए बिल था, मगर चूंकि पार्लियामेंट में इनकी मेजोरिटी है, राज्यसभा में भी इन्होंने बिल को पास कर दिया, अब ये सीए भी सीएए हो गया। इसको मदद करने के लिए सीए भी लाया गया है। दोस्तों और साथियों, जब सीएए का कानून पास हुआ तो ये बातें समझ में आई कि एनआरसी में जो मुसलमान दस्तावेज पेश नहीं करेंगे उनको उसके बाहर किया जाए। मगर सच बात तो यह है कि इस देश में 40% आवाम ऐसी भी है जो देहातों में रहती है, जो कबायली है, जो पसमान भाइयों ने महसूस किया। मगर मैं सलाम करता हूं माँ बेटियों को, मेरी बहनों को, जिन्होंने एहतजाज की क्षमा रोशन की। वो जामे मिलिया की मेरी बेटियां, मेरी बहने मुबारकबाद है कि उन्होंने इस मुजाहरे को शुरू किया। जेएनयू के बच्चे मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। शाहीन बाग में बैठे भी हमारी बेटियां, हमारी बहने काबिल मुबारकबाद है। बात तो यह है, उसूलों पर जब आँच आती है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा बताना जरूरी है। हमारी माओ बहनों ने बता दिया, हमारी बेटियों ने बता दिया कि हम जिंदा कौम। फिर उसके बाद पूरे देश भर में सीए के खिलाफ मजाहरे शुरू हुए। आपने देखा, देश का प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ये मुजाहरों के बाद दहरी में एक सभा करता है, सभा करके कहता है, क्या कहता है, हम एनआरसी की बात कहां कर रहे हैं, सीए से मुसलमानों का क्या नुकसान है, ये मजबूरी क्यों आई, ये हालात क्यों बदले। यकीनन सीए की मुहिम, सीए के खिलाफ होने वाले मजाहरे और तहरीक इस देश में इनकलाब पैदा करेगी। ये इनकलाब मुसलमानों की क़ियादत में होगा, मुसलमानों की वजह से होगा, मगर यकीनन हमारे गैर मुस्लिम भाई जो ये मानते हैं कि हम सेकुलरिज्म को यकीन रखते हैं, इंसाफ पसंद है, उसके जरिए होगा। हमारे शहर में
एक शाहीन बाग जो दहगी में था उसके तर्ज पर वो बैठे हैं दिल्ली गेट। इस शहर की जनता ने 20 तारीख को 27 तारीख को अजीमुशान जुलूस निकाला, अजीमुशान काम किया। 19 जनवरी को हमारी माए बहने धरना दे रही है डिविजनल कमिश्नर के सामने। मैं इस मंच से आपसे अपील करता हूं कि हम अपनी माओ बहनों को अपनी बेटियों को वहां पहुंचाएंगे, वहां भेजेंगे। दोस्तों साथियों, वक्त का असर ये है कि हमको शहरी सतह पर क्या करना है, हमको इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को सियासी ताकत देना है। जैसे जैसे हमारा इत्तेहाद मजबूत हो रहा है, हमारे पास इंतजार की कोशिशें की जा रही है। मैं गुजारिश करता हूं, सीए का मसला मुल्क की सतह का मसला है, कौमी मसला, मगर जहां जहां हमारी ताकत है हम उसमें हिस्सा लेंगे। शहरी सतह पर इस औरंगाबाद जिले में, इस महानगर पालिका क्षेत्र में मैं इस मंच से गुजारिश करता हूं, उन ताकतों को हिम्मत दीजिए, साथ दीजिए जो आपकी आवाज बन रहे हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का एक अदना खादिम होने की हैसियत से कहने वाला हूं कि आने वाले तमाम इंतखाबात में, तमाम इलेक्शंस में मजलिस को साथ दीजिए। कोई शख्सियत की अहमियत नहीं, मजलिस जिसे नुमाइंदगी देगी उसे कामयाब कीजिए। एक ही बात कहना चाहता हूं उन सीए की हिमायतियों से, बीजेपी से, नरेंद्र मोदी से, अमित शाह जी से, सबसे कहना चाहता हूं, भाई हम कोई डरने वाली कौम नहीं है। दुश्मन के डराने से डरे हैं न डरेंगे, उभरे तो दबाने से दबे हैं न दबेंगे। हम जिंदा थे। आज जो है इस प्रोग्राम जो रखा गया है वो मौजूदा हालात जो पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान के अंदर जो अफरा तफरी मची हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए, मौजूदा हालात, हमारी जिम्मेदारियां, हमने क्या करना चाहिए और उसको किस तरीके से जो तो फेस करना चाहिए, इस लिहाज से इस प्रोग्राम को मुनाकिद किया गया है। साथ ही साथ हमारे बीच मौजूद हमारी शहर की जानी मानी शख्सियत जो पेशे से तो डॉक्टर है, जो मरीजों की खिदमत किए बाद उन्होंने एजुकेशन के फील्ड के अंदर, शिक्षण के अंदर, पूरे औरंगाबाद जिले के अंदर जो एक खिदमत को अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद उन्होंने सोचा कि यह दायरा कम हुआ, ये दायरे को बढ़ाया जाए और अवाम तक पहुंचा जाए, अवाम की खिदमत की जाए। इस नजरिए से जिन्होंने 2 बार आमदार का तो इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ने बहुत करीबी करीबी बहुत कम इससे जो है तो उनको शिकस्त हुई, लेकिन फिर भी जो हौसलों से जो प्रवास कर रहे हैं ऐसे हमारे बीच मौजूद जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादिरी साहब, जिनके लिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, डॉक्टर साहब जो पिछले अब 6 साल होते आएंगे तकरीबन, डॉक्टर साहब आप हमारे बीच खिदमत अंजाम दे रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह आपसे और भी बड़ा काम लेगा, इसी अल्लाह की जात से हम उम्मीद करते हैं। तो ये अभी फिलहाल जो हालात चल रहे हैं दोस्तों, जो सीएए और एनआरसी को लेके, जिसमें हम बात शरीयत में मदाखिलत की करें, जिसमें हम बात 370 हटाने की करें, और आज हम बात कर रहे हैं सीएए और एनआरसी। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप लोगों को मालूम है कि असलियत में सीएए क्या है?
हाँ और ना में जवाब दे दिया। क्या आप जानते हैं कि CAA क्या है? जोर से बोलिए। CAA जो CAB था, जो एक बिल था जिसको अब एक्ट बना दिया गया है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इन तमाम मुल्क से दिगर मजाहिब के लोग आकर हिंदुस्तान की शहरियत हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसमें मुसलमान ये लफ्ज नहीं है। तो खुले तौर पे दिख रहा है कि ये हमारे दुश्मन हैं, इनको मुसलमानों से दुश्मनी है। तो आज हम सबको बड़ी तादाद में सड़कों पर आकर इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। ये शख्सियत जो अपने आप को अब हमारे देश का प्रधान सेवक कहता है, ये पाकिस्तान जाकर बिरयानी खाता है, लेकिन हिंदुस्तान में बिरयानी बनाने वालों से इनको नफरत। आज हमारे देश की कई मुस्लिम खवातीन, कई माएँ बहनें, कई दिगर मजहब की भी खवातीन एक महीने चलो